कोरोना की वजह से बराकर में संक्रांति मेला में भीड़भाड़ लगाने से प्रशासन ने रोक लगाई और शनिवार को इसको लेकर पुलिस ने अभियान चलाया। सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत श्री श्री 108 बाबा बराकर धाम में इस बार कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए मुफस्सिल पुलिस के द्वारा श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोका गया। मौके पर मुफस्सिल थाना के ASI प्रमोद कुमार व उनकी टीम के द्वारा मेले में कोरोना का गाइडलाइंस उल्लंघन करने वाले लोगों को व्हिसल बजाकर खदेड़ा भी गया। इधर बाबा धाम बराकर मंदिर के पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद राय ने बताया कि इस मेले में 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ होती थी। लोग सुबह से ही भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं, मगर कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए मुफस्सिल पुलिस के तरफ से काफी सहयोग मिला, जिससे भीड़ पर कंट्रोल किया गया। मंदिर प्रशासन के द्वारा भी बार बार भीड़ नहीं लगाने का आदेश दिया गया था। बताया गया कि यह मेला लगभग 150 साल से लगता आ रहा है और शहर से लगभग सभी लोग खिचड़ी मेला का आनंद लेने आते हैं। इस मेला में श्रद्धालु मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बराकर नदी में स्नान कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, फिर खिचड़ी बनाकर खाते हैं। इस अवसर पर लोग काफी दूर से पिकनिक भी मनाते हैं। मौके पर मंदिर के पुजारियों ने बताया कि सुबह भीड़ लगने वाली थी, मगर पुलिस के द्वारा मंदिर के गेट पर ताला लगाया गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। पुजारियों ने कहा कि इसी मंदिर से हमारी रोजी रोटी चलती है। वहीं पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में भी काफी नाराजगी देखी। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद राय, पूजा समिति के सचिव राजेंद्र राय, देवानंद साव, सुनील साव, शंकर केसरी, राजेंद्र साव, धनु साव, पुजारी अजित पांडे, प्रभाकर पांडे, सुनील पांडे, विष्णु पांडे, मनीष पांडे, नरेश पांडे, विनोद पांडे, अभिषेक पांडे आदि उपस्थित थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को पूर्णतः नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया है।